उधर आपको बताएं, दरअसल मत्स्य विभाग के यूपी कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद गाजियाबाद पहुंचे, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा और साथ ही साथ सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों को करारा जवाब भी दिया। वहीं जनतंत्र टीवी के संवाददाता सुनील गौतम ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद से खास बातचीत की है, सुनिए। डॉक्टर संजय निषाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सर, गाजियाबाद पहुंचे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम? एक तो विभागीय समीक्षा बैठक थी, दूसरा निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूत करना, ये लोकसभा में कहाँ संगठन को दुरुस्त करना है, जिला कमेटी को और ब्लॉक कमेटी को बूथ पर जाने के लिए, और धीमा रायकवार बाठक पिछड़ी जात जो क्रिमिनल काइट ट्रस्ट से प्रभावित जातियां हैं, जिनको अंग्रेजों ने उजाड़ा था, तो दिल्ली से भगा दिया था अंग्रेज लड़ते, तो जो पाइपलाइन में है, रोड साइड में है, उनको हम लोग एक साथ लाकर एक इनको 2024 में फिर मोदी जी को सदी पर बैठाने का काम। सर, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, इसमें लेकर निषाद पार्टी के क्या कुछ आगे की तैयारियाँ रही? निश्चित है कि 80 ब्लॉकों में लगभग हमारा गठन हो चुका है, और सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक, ठीक है, गोरखपुर से लेकर ललितपुर तक, ये सारे चारों तरफ इसे चार जोन में बांट कर हमने, जब से हम आए हैं तब से आपने देखा होगा 2019, 2022, 2023 जीती, 2024 में हम जीतेंगे। लगभग 37 सीटें ऐसी हैं जहाँ हम 3.5 लाख से ऊपर उठे, उनको हम सहेज रहे हैं और इनको हम बता रहे हैं भाई टोपी झंडा नारा 5 हथियार लोग जो अपना अपना हिस्सेदारी को, और आपसे कमज़ोर दलदल में रहने वाले दलित जब दल बना लिए तो उनके समस्याओं का हल हो गया, आप भी अपना अपने दल में आओ, सब दल बन गया, आपकी समस्याओं का हल हो रहा है, मोदी जी आपके लिए काम कर रहे हैं। देखो, पहली बार है कि आपके लिए प्रधानमंत्री जी ने मत्स्य मंत्रालय अलग किया, 36,39,000 करोड़ देश के मछुआरों को दिया, फ्री का दुर्घटना बीमा, आपके बेशक अभी सपा बसपा के सोच के अधिकारी कर्मचारी हैं तो थोड़ा इनको नहीं देना चाहते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, देखिए धीरे धीरे बहुत कुछ हो रहा है। पहली बार में 15,000 लाभार्थियों, पिछले बार 14,500 लाभार्थियों को हमने निषाद होंगे, तो ये हम इनको धीरे धीरे इस क्षेत्र में ला रहा हूँ, और निश्चित रूप से जब ये देख रहे हैं कि नहीं, सत्ता के साथ रहने से सुख मिलता है और सत्ता से दूर रहने से दुख मिलता है, तो सत्ता के साथ अपनी भागीदारी तय किया और 11 विधायक के साथ, और लोकसभा के चारों स्तंभ, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, कैबिनेट में, अब इनका प्रतिनिधित्व है, और निश्चित रूप से जिसका प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में हो, विधायिका में हो जाता है, तो उनके निश्चित रूप से उसके जो कार्यपालिका में लोग आ जाते हैं, न्यायपालिका में भी लोग आते हैं, मीडिया और हर जगह क्षेत्र। तो इसमें सर कितनी सीटों पे जो है इस बार निषाद पार्टी चुनाव लड़ेगी? लोकसभा में देखो सीट में जीत है, हम लोग आपस में मिलकर लड़ते हैं, और कहाँ हम जीतेंगे, कहाँ वो जीतेंगे, कहाँ हम लड़ेंगे, तो ऐसी स्थितियों में हम लोग 80 की 80 सीट हम लोग ये सोचते हैं, भोजन भरी थाली ही कमल है, कमल ही भोजन भरी थाली है, वो मोदी जी तय करते हैं, अमित शाह जी तय करते हैं कि कहाँ हमें लड़ना है, कहाँ कितना किसको लड़ना, और हम लोग जीत के लिए काम करते हैं, और हम लोगों ने तय किया 330 पार एनडीए की सरकार उत्तर प्रदेश में 80 से 100। सर, लगातार सनातन धर्म पर वार किया जा रहा है, ऐसे में बिहार के शिक्षा मंत्री ने भी हिंदू धर्म को पोटेशियम सल्फेट बताकर विवादित बयान दिया था, इसको लेकर क्या कहते हैं? ये तो उन्हें बताना चाहिए कि हम किस धर्म में हैं, ऐसा ज्ञान देने से तो वो लिख के दे दें कि हमें हिंदू धर्म को मानने वाले को टिकट नहीं देंगे, हिंदू धर्म वाले हमें वोट न दें, बयानबाजी से देखिए, हम कहते देश के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के न्याय, धर्म पर बोलने वाले को अधर्मी कहते हैं, और अधर्मी को इसमें हमारे जब वो जब आता है इलेक्शन तो ऑटोमेटिकली जनता उन्हें उसका सबक सिखाती है। स्टालिन का भी एक बयान था, उसको लिखा, निश्चित रूप से एक सोच बदलने के लिए तलवार लेके मुगल आए थे, एक सोच बदलने के लिए जो है तोप लेके अंग्रेज आए थे, और इन दोनों को तलवार और तोप चलाने वाले को भारत से लौटना पड़ा, और भारतीय संस्कृति अपनी जगह स्थापित रही, तो जो शाश्वत है उसे कभी मिटा नहीं सकते, सनातन इसी संस्कृत की देन है कि निषाद राज भगवान राम मिले हैं, 18% मछुआओं की आबादी उसी रामायण के आधार पर किला मिला निषाद राज है, तो निषाद राज थे, आज के दिन में ये सम्मान बढ़ रहा है इनका, तो इसका मतलब अगर राम पर आप टिप्पणी कर रहे हो तो निषाद राज पर टिप्पणी हुई निषादों के ऊपर, तो ऐसे में सारा सिस्टम इन लोगों का, कैसे लोगों बोलने वालों को सबक सिखाने वाले हैं।